हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एफ ब्लॉक के एक्टिन वैट सीरीज की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पीरियोडिक टेबल को चार ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में दो सीरीज होता है, लेंथेनोइड सीरीज और दूसरा एक्टिनवाइड सीरीज। लेंथेनोइड सीरीज लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है, 58 टू ये 71 तक होता है। एक्टिनवाइड्स थोरियम से शुरू होगा और जाके लॉरेसियम पे एंड होगा, 92-103 तक ये हमारा सीरीज है। देखिए, तो एक्टिनवाइड्स को हम लोग, इसमें जो 14 एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम बड़ी ही आसान तरीका से हम याद करेंगे, ठीक है। देखिए, तो ये एक्टिनवाइड्स एक्टिनियम के बाद शुरू होता है, एक्टिनवाइड्स एक्टिनियम के बाद शुरू होगा। तो एक्टिनियम के बाद शुरू होगा, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 होता है। देखिए, तो इसे हम कैसे याद करें, तो थोड़ी सी हम बात, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ी सी बात हम बायोलॉजी की करते हैं। देखिए, आप सभी जानते होंगे जो हम लोग भोजन लेते हैं, जो फूड हम लोग लेते हैं, वो डाइजेशन के बाद, पचने के बाद उसका क्या होता है, प्रत्येक सेल में वो पहुंचता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी के रूप में एटीपी जेनरेट होता है और हमारे शरीर में एनर्जी जो है वो एटीपी के रूप में स्टोर होता है, जिसे हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला एटीपी। देखिए, इस एटीपी से हम तीन एलिमेंट का नाम बनाएंगे, ए फॉर एक्टिनियम हो गया, ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। आपको कोई भी काम करना है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलता है हम लोगों को, एटीपी से मिलता है। एनर्जी जब इस्तेमाल करना होगा तो एटीपी खर्च होता है, लेकिन इस एटीपी से हमें यहाँ क्या मदद मिलने वाला है कि हम लोग तीन एलिमेंट का नाम इससे बनाते हैं। देखिए, ए से एक्टिनियम हो गया, एक्टिनियम के बाद ये शुरू होता है, तो एक्टिनियम हो गया। टी से, ए से एक्टिनियम, टी से थोरियम हो गया, जो हमारा एक्टिनवाइट सीरीज ये स्टार्ट होता है थोरियम से और एंड होगा लॉरेसियम पे, तो ये थोरियम हो गया। और पी से प्रोटैक्टिनियम, पी ए, तो तीन एलिमेंट हो गया, एक्टिनियम, थोरियम और प्रोटैक्टिनियम। तो देखिए, यहां भरते हैं, ये थोरियम हो गया टी एच, फिर ये क्या होगा, प्रोटैक्टिनियम, पी ए, प्रोटैक्टिनियम। तो एटीपी से हमें तीन एलिमेंट पता चल गया, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम। हम एक्टिनवाइड्स की बात कर रहे हैं, देखिए इसके आगे, इसके बाद कौन है, तो चलिए हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, थोड़ा बायोलॉजी का सहारा लिए, थोड़ा सा हम फिजिक्स की सहारा लेते हैं, या उसे आप जैसे एस्ट्रोनॉमी नोमी भी कह सकते हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में हम लोग प्लैनेट के बारे में जानते हैं, तो टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, जी हाँ, हाँ, एट। अब एट कहते हैं क्योंकि प्लैनेट का जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग प्लूटो जो है वो उसको डिफाइन नहीं कर पाता है, उसके प्लैनेट का जो डिफिनेशन है उसको प्लूटो फॉलो नहीं कर पाता है, तो हम लोग एट कहते हैं। ऐसे हम लोग जब पढ़ते थे तो कितना कहते थे, नाइन प्लैनेट्स। नाइन प्लैनेट्स में जो लास्ट का तीन, यानी सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, वो कौन है बताएंगे आप, याद है? तो लास्ट जो तीन है वो अरुण, वरुण, प्लूटो, अरुण, वरुण, प्लूटो। देखिए, उससे हमें क्या मदद यहां मिलने वाला है, जरा देखिए, अरुण, वरुण, प्लूटो। देखिए, ये अरुण को हम लोग यूरेनस कहते हैं, वरुण को नेपच्यून कहते हैं, प्लूटो। देखिए, इससे हम तीन एलिमेंट का नाम बना लेंगे इसी ऑर्डर में,
यूरेनस से यूरेनियम, नेपच्यून से बन गया नेपच्यूनियम, प्लूटो से बन गया प्लूटोनियम। तो पहला तीन एटीपी, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम। उसके बाद हम लोग अरुण वरुण प्लूटो यानी यूरेनस नेपच्यून प्लूटो से बना लिए क्या, यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम। मेटल के नाम के अंत में अम सुनाई पड़ता है तो हम लोग अम जोड़ेंगे ना इसमें, तो यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम हो गया। देखिए यूरेनियम का सिंबल क्या होगा, यू, नेपच्यूनियम एनपी हो गया और प्लूटोनियम पीयू हो गया। तो देखिए एक्टिनोइड्स का ये पांच, एक्टिनियम को जोड़ करके छह एलिमेंट हम लोग जान गए। आगे देखते हैं, देखिए चलिए एक सिचुएशन आप याद कीजिए, एक सिचुएशन समझिए। आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में पेपर आपका कितने मार्क्स का होता है, जी हाँ फुल मार्क्स 100, 100 से कम भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, आपका पेपर 200 का भी हो सकता है, लेकिन जनरली फुल मार्क्स कितना का होता है, 100 का होता है, 100 का होता है फुल मार्क्स। हमने क्या बोला, फुल मार्क्स। देखिए ये 100 का होगा ना, 100। तो देखिए FM, यहां से हम बना लिए FM, FM बोले तो फर्मियम, FM बोले तो फर्मियम, तो फुल मार्क्स 100 हो गया। तो 100 पे कौन है, 100 पे फर्मियम है, FM है, FM है। देखिए तो एक सिचुएशन समझिए, और साइंटिस्ट लोग एग्जाम देने गए, एग्जाम देने गए उसमें तो 100 का फुल मार्क्स 100 था, उसमें से एक मार्क्स कम आ गया यानी 99 आ गया आइंस्टीन को। इमेजिन कीजिए सिचुएशन को, आइंस्टीन को कितना मार्क्स आ गया, 99, यानी 99 पे कौन है, 99 पे आइंस्टीनियम है। फुल मार्क्स 100, FM फर्मियम, फर्मियम 100 हो गया, एक कम 99 पे कौन हो गया, आइंस्टीनियम हो गया। और ऐसे भी लोग थे जिनको 100 में भी एक नंबर और ज्यादा आ गया यानी 101, वो कौन थे, तो पीरियोडिक टेबल में हम उनका नाम लेते हैं, पढ़ते हैं, मेंडेलीव। मेंडेलीव को एक नंबर ज्यादा आ गया यानी आप उससे एलिमेंट बना दीजिए, मेंडेलीवियम, क्या हो गया, मेंडेलीवियम MD, MD का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 101। तो देखिए फर्मियम फुल मार्क्स 100 का हो गया, एक नंबर कम आ गया आइंस्टीनियम, एक नंबर ज्यादा आ गया मेंडेलीवियम, एक नंबर उनको ज्यादा आ गया क्योंकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस पढ़ने के अलावा उनको नोबेल पढ़ने में रुचि था और थोड़ा बहुत उनको लॉ का भी ज्ञान था, इमेजिन कीजिए। तो मेंडेलीव को एक नंबर ज्यादा आ गया, क्यों, उनको नोबेल पढ़ने का शौक था। इसके बाद का जो एलिमेंट है वो नोबेलियम है, क्या है वो, नोबेलियम, और उनको लॉ का भी ज्ञान था ना, लॉरेसियम, नोबेलियम हो गया और क्या हो गया, लॉरेसियम हो गया। देखिए 100 पे कौन, फर्मियम, एक नंबर कौन, आइंस्टीनियम, एक ज्यादा 101, मेंडेलीवियम, नोबेल, नोबेलियम और लॉरेसियम। देखिए जब इनको एक, आइंस्टीन को जब एक नंबर कम आ गया तो और स्टडी करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए, कैलिफोर्निया चले गए। देखिए एक और पीछे आ जाइए आप, कैलिफोर्निया, इसके बगल में कैलिफोर्नियम है, 98 पे कौन है, कैलिफोर्नियम है, स्टडी करके बड़ा बन गए, बड़का बनने चले गए, कैलिफोर्निया जाकर के स्टडी की और बड़का बन गए। इसके जस्ट पीछे कौन है, बर्केलियम, बर्केलियम BK, बर्केलियम है। देखिए वहां पे कैलिफोर्निया जाके स्टडी करने लगे, बड़का बन गए, तो उनकी मुलाकात एक और साइंटिस्ट से हो गई, क्यूरी से हो गई। तो उसके जस्ट पीछे कौन है, क्यूरियम, क्यूरियम CM, क्यूरियम। देखिए क्यूरियम और क्यूरी से दोस्ती हो गई, दोनों दोस्त जो है वो पूरा घूमने लगे, कहां घूमने लगे, अमेरिका घूमने लगे। तो इसके जस्ट पीछे अमेरेसियम है। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक सिचुएशन को दिमाग में लाना है और सब बता देंगे आप।
फुल मार्क्स आप नहीं भूलेंगे, 100 फर्मियम, एक नंबर कम आ गया आइंस्टीनियम, तो कहां चले गए, कैलिफोर्निया चले गए, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया चले गए बड़का बनने के लिए, उसके कैलिफोर्निया के जस्ट बगल कैलिफोर्नियम के पहले बर्केलियम, और उनकी मुलाकात क्यूरी से हो गए क्यूरियम, और वो दोस्त लोग कहां घूमने लगे, अमेरिका अमेरिसियम। तो 95 पे कौन है, अमेरिसियम है। इधर का तो आपको याद है एटीपी, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम। उसके बाद आपका देखिए इस अरुण वरुण प्लूटो, 9 प्लैनेट में से लास्ट का जो 3 प्लैनेट है उससे हमने बना लिया क्या, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। फिर 100 पे चले जाइए, फर्मियम एक नंबर ज्यादा आ गया, मेंडेलियम, नोबेल बनने का शौक था, फिर लॉ का भी ज्ञान था, लॉरेशियम, लॉरेशियम पे जाके एंड होता है, और एक नंबर कम आ गया आइंस्टीनियम, फिर कहां चले गए, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्नियम, बड़का बनने के लिए बी के बर्केलियम, उनकी दोस्ती हो गई क्यूरी से क्यूरियम, और कहां घूमने लगे, अमेरिका अमेरिसियम। तो ये हमारा 14 एलिमेंट्स हो गया, एक्टिनियम को जोड़ लेंगे तो 15 हो जाएगा एक्टिनोइड्स का। एक्टिनोइड्स में लगभग एलिमेंट जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, और एफ ब्लॉक का एलिमेंट का एक आप बात याद रखिए, कॉमन इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन कॉमन आप याद रखिएगा +3। थैंक यू।